यह पौधा अगर आप एक बार लाएंगे तो सालों साल आपके घर रहेगा और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला, कटिंग से आसानी से लगने वाला पौधा है। हरे रंग की इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ जब अपने मीटर भर की इस तरह की लंबी लताएं निकालती हैं तो दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वेलकम टू लव फॉर प्लांट, मैं हूँ रेखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टर्टल वाइन प्लांट की। इस प्लांट के बहुत सारे नाम हैं, क्रीपिंग वन इंच प्लांट, बोलीवियन जू, और इसे हिंदी में कछुआ बेल कहते हैं। ये एक क्रीपिंग प्लांट है। अगर हम इस प्लांट को ज़मीन में कहीं भी लगा देंगे तो ये पूरा हमारा ज़मीन का एरिया कवर कर लेगा। अगर आप अपने घर को हरा भरा और जंगल जैसा बनाना चाहते हैं तो यह पौधा जो है आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, और वो भी बहुत ही कम केयर और टेंशन के साथ। अगर आप इस प्लांट को हैंगिंग प्लांट की तरह लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, इस तरह से दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर्दियों के मौसम में यह पौधा लगभग सूखकर ख़त्म ही हो जाता है, इस तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। गर्मियाँ आने पर यह दोबारा से हरा हो जाता है। कई लोग इस पौधे को सर्दियों में ये सोचकर फेंक देते हैं कि अब तो ये पूरी तरह से सूख चुका है, ख़राब हो गया है, अब ये पौधा फिर से दोबारा से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हमारी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी फरवरी अप्रैल मार्च से, तो ये पौधा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास बहुत छोटी सी कटिंग भी रखी हुई है आपकी, तो उसी से ये सारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इस पौधे की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, सोइल कैसी पसंद है इसको, ह्यूमिडिटी लेवल कैसा होना चाहिए, सनलाइट कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स कैसा किस तरह का देना है, इन सब के बारे में। सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं इसकी सन की जो रिक्वायरमेंट है, सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। यह पौधा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में अच्छे से ग्रो करता है। नॉर्थ इंडिया में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, इसे तेज़ धूप से बचाना चाहिए। वैसे ये नॉर्मल डायरेक्ट सनलाइट में सनलाइट को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे, जैसे कि मई के लास्ट में और जून में, तब इसको थोड़ा सा हमें शेड में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पूरे दिन की तेज़ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी फैड हो जाएंगी। आप इसे अपने घर के साउथ वेस्ट फेसिंग एरिया में घर के जो रख सकते हैं। इसे सुबह की 2-3 घंटे की सनलाइट भी काफ़ी है इसके लिए। अब बात करते हैं इस पौधे के क्लाइमेट के बारे में, कि इस पौधे को जब हमारे घर में लेके आते हैं उसे किस तरह का क्लाइमेट पसंद होता है। इस पौधे को थोड़ा गर्म मौसम ही पसंद है। बहुत ज़्यादा ठंड में, मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से सूख जाता है, इसलिए इसे सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। हाँ, तेज़ गर्मी भी पसंद नहीं है, इसे नॉर्मल सा मौसम चाहिए, जैसे हमारा फरवरी से मई तक का होता है, और फिर गर्मी में पूरा आसानी से चल जाएगा, बस थोड़ी सी तेज़ धूप से हम इसको बचाएंगे। तो अगर आप गर्म जगह में रहते हैं तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी सर्दियां शुरू होती हैं इसको थोड़ा सा हमें इंडोर रख देना चाहिए, किसी शेड वाले एरिया में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पूरी रात भर की ठंड इसके ऊपर या जो फ्रॉस्ट होती है वो इसके ऊपर ना गिरे। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब गिरती हैं दिसंबर के लास्ट में और जनवरी की जब स्टार्टिंग में मिडल में, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब पूरी तरह से फ्रॉस्ट गिरती है, रात भर जो हमारी ओस गिरती है, उससे ये पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। अब बात करें इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। इस पौधे को नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, लेकिन इतना भी पानी हमें नहीं देना है इसमें कि इसकी जो मिट्टी है पूरी तरह से सोगी हो जाए और हमारी रूट रोट हो जाए, जो हमारी सी जड़ें हैं पौधे की वो पूरी तरह से सड़ जाएं। वाटरिंग का तो वही हमारा थंब रूल है कि जब इसकी जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो 2-3 इंच सूख जाए, तभी हमें किसी भी प्लांट में पानी डालना चाहिए। और सर्दियों के टाइम में तो इसमें बिल्कुल ही कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो टाइम पीरियड इसके लिए डोरमेंसी का टाइम पीरियड होता है। उसमें हमारा पौधा बढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, उसको बस अपने सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों के टाइम में तो हमें
काफ़ी टाइम के अंतराल में ही थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना चाहिए। अब इसके लिए सोइल प्रिपरेशन की बात करें कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो हम मिट्टी वहीं ले सकते हैं जो हमारे लिए थोड़ी पोरस हो, पानी ज़्यादा ना रुके, जो हमें नॉर्मल हर एक गमले के लिए ज़रूरत होती है हमारी उस मिट्टी की। अब इसकी फर्टिलाइजेशन की बात करें कि इसमें कब और कौन सा फर्टिलाइजेशन दिया जाना चाहिए, तो सर्दियों में जैसा कि इसका डोरमेंट पीरियड होता है उस टाइम में हमें इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। गर्मियों में हमें इसे टाइम टाइम पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। अब इसकी प्रूनिंग की बात करते हैं कि हमारे हर जो प्लांट होता है उसकी हम प्रूनिंग करते हैं, उसी तरह से इसकी प्रूनिंग कैसे करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रूनिंग की। जैसा कि हम हमारे बाकी सब प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं वैसे ही हमें इसकी भी प्रूनिंग करनी चाहिए। किसी भी पौधे को ज़्यादा घना और बुशी बनाने के लिए उसकी प्रूनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा और आसान तरीका होता है। प्रूनिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर से जहाँ से हम प्रूनिंग करेंगे वहाँ पर एक की जगह दो ब्रांचेज आएंगी। अब बात करते हैं इसमें बीमारियों के बारे में कि हमारे इस प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। वैसे तो इसमें कोई भी कीड़े वगैरह कम ही लगते हैं, बस इसकी जड़ों के सड़ने की समस्या हो सकती है कि हम अगर इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी जो जड़ें होती हैं या फिर उसका ड्रेनेज सही ना होने की वजह से, ड्रेनेज होल कवर हो जाने की वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं। बस उससे बचाने के लिए इसका ड्रेनेज हमें बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते। मेरे प्लांट में तो कभी नहीं लगे हैं इस वाले टर्टल वाइन के प्लांट में। अगर फिर भी आपके प्लांट में कोई कीड़े वगैरह कोई इंसेक्ट्स हो जाते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने टर्टल वाइन की कंप्लीट केयर के बारे में डिस्कशन किया है कि हम उसका कैसे रखरखाव कर सकते हैं अच्छे से, हमारा टर्टल वाइन का प्लांट किस तरह से अच्छा ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रोपगेशन के बारे में बताऊंगी कि अगर हमारे पास टर्टल वाइन का प्लांट बिल्कुल भी नहीं है और हमें कहीं से अगर इसका सिर्फ एक या आधे इंच का पीस भी मिल जाता है या फिर एक या आधे इंच का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसी से हम इस तरह से पूरा बड़ा लंबा घना प्लांट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।